भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर एक व्यक्ति ने घुसपैठ करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मिली जानकारी के मुताबिक व्यक्ति ने सुबह 7:45 पर कार लेकर अजीत डोभाल के कोठी में घुसने की कोशिश की। जब वह व्यक्ति अजीत डोभाल के घर में घुस रहा था, तब वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सही वक्त पर उसे रोककर हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में वह व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान लग रहा था। पुलिस के मुताबिक जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया, तब वह कुछ बड़बड़ा रहा था। बड़बड़ाते हुए वह कह रहा था कि उसके शरीर में किसी ने चिप लगा दिया है और उसे रिमोट की सहायता से कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि जांच में उसके बॉडी से कोई भी चिप नहीं मिली। शांतनु रेड्डी नाम का वह व्यक्ति बेंगलुरु का रहने वाला है और वह नोएडा से लाल रंग की कार किराए पर लेकर अजीत डोभाल के घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि इनसे अजीत डोभाल की सुरक्षा CISF करती है। गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है। यह पहली बार नहीं है कि जब अजीत डोभाल के घर घुसपैठ या उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। इनसे अजीत डोभाल पर कई बार हमला करने की कोशिश की गई है। वह पाकिस्तान और चाइना के आंखों में हमेशा खटकते रहे हैं। इसके अलावा डोभाल आतंकी संगठनों के भी निशाने पर रहते हैं। पिछले साल जैश मोहम्मद के आतंकी के पास डोभाल के दफ्तर की रेकी का वीडियो मिला था। तो क्या यह घुसपैठ सच में सहयोग है या यह एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ किसी की साजिश?